At least 18 people have been arrested in connection with the attack on a school bus and torching of a Haryana Roadways bus in Gurugram yesterday. The accused have been sent to 14 days judicial custody. The accused committed the act to show their outrage against the release of the controversial film Padmavat. एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें एक हरियाणा रोडवेज की बस को तोड़ा गया, उसको उसमें आग भी लगाई गई और साथ में जाती हुई एक स्कूल की बस को भी पत्थर लगे जिसमें स्कूल के छोटे बच्चे थे। उस केस को इमीडिएटली दर्ज कर लिया गया है और उसमें करीब 18 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें और भी गिरफ्तारियां की जा रही हैं और इसमें जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं उसमें जो अक्यूज हैं उनकी बेल में भी मुश्किल आएगी। इसके अलावा खिड़की दौला में भी एक गाड़ी पे पत्थर मारे थे, उसमें भी 5 लोगों को पकड़ा गया है और इसके अलावा 8 लोगों को गुड़गांव में और प्रिवेंटिव अरेस्ट में पकड़ा गया है। तो करीब 31 आदमियों को इस वायलेंस के लिए पकड़ा गया है। Meanwhile, all theaters in Haryana have been provided with adequate protection and if someone is found getting involved in unlawful activities, they would be immediately arrested, added DGP Haryana.